हमको उद्देश्य क्या है एक्चुअली जो है जब आरटी फोरम का जो मीटिंग हुआ था अगस्त 2017 में तो वहाँ पे नेशनल कमेटी ने ये महसूस किया था कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शिक्षा के मुद्दे पे काम कर रहे हैं हमसे जुड़े नहीं हैं और उनको मेटेरियल भी उपलब्ध है क्या करना है इनका जिज्ञासा तो है लेकिन ये सही जो है जगह पे नहीं जा पा रहे हैं और सब लोग अलग अलग छोटे छोटे अपने कस्बे में जंग कर रहे हैं तो उद्देश्य था कि ऐसे लोगों को कनेक्ट किया जाए किसी से क्योंकि अकेले में कोई ताकत नहीं होता है जब हम एक साथ मिलते हैं तो उसमें एक ताकत बनती है तो उद्देश्य यही था कि सारे जो लोग भी शिक्षा के मुद्दे से जुड़े हुए चाहे वो किसी संस्था के हों चाहे संस्था के नहीं हों चाहे स्टूडेंट हो चाहे एडवोकेट हो चाहे डॉक्टर हो चाहे टीचर हो सभी को हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं इससे तो इसी को मुद्दे पे करके हम लोगों ने तय किया था कि जो हमारा कोर मिशन है जो आरटी फोरम जब आरटी एक्ट 2009 में पास हुआ था उसके एक साल बाद ही जो है आरटी एक्ट फोरम का गठन हुआ था और कई उसका एक मुख्य उद्देश्य था कि आरटी एक्ट को पूरी तरह से इम्प्लीमेंट करना पूरी तरह से आरटी एक्ट को इम्प्लीमेंट करना हर जिले में हर गांव में हर शहर में और अभी हम लोगों ने इस टॉप टेकिंग लिया था 2013 मार्च को हुआ था उसमें देखा कि कुल 12 से 13% स्कूल ही जो है आरटी के नॉर्म से फॉलो कर रहे हैं यानी गैप बहुत बड़ा है और ये गैप अकेले नहीं पूरा होगा तो हम लोगों ने तय किया था कि इसको जो है जो भी हमारे मुद्दे हैं सभी साथियों ने डिस्कस किया था पाया गया कि एनरोलमेंट का मुद्दा है एनरोलमेंट हो गया तो एक्सेस का मुद्दा है स्कूल दूर है प्राइमरी स्कूल कम है अपर प्राइमरी कम है और हायर स्कूल तो बहुत ही कम है तो बहुत सारे मुद्दे जो हम लोगों ने तय किया था जिस पे लोगों को हमें एजुकेट करना था और तो इसको एजुकेट करने के हमने जो है जो हमारे जो आरटी फोरम के सेंट्रल कमेटी ने बहुत सारे रिसोर्स पर्सन को आइडेंटिफाई किया था कि हर जगह को राजस्थान होगा यूपी में होगा कि साउथ में होगा तो उसी का एक कड़ी है हम लोग एक गांव से लेकर के नेशनल तक किस न किस से जुड़े हुए हैं अब उसी को जो जोड़ने का काम जो है आरटी फोरम जिस कैडर जो जिसको हम एजुकेशन एक्टिविस्ट बोलते हैं कर काम क्या होगा कैडर्स का जो हमारे एजुकेशन एक्टिविटीज को हम कर उनका मुख्य क्या काम होगा एक तो यह है कि शिक्षा के मुद्दे को चुनावी मुद्दा में तब्दील करना एक बहुत बड़ा कार्य हमारा हुआ कि हम जहाँ भी हों गांव में हों बस में हों ट्रेन में हों आज ही जब मैं बस ट्रेन से आ रहा था दिल्ली से तो जर्नी बात बात हो रही थी आपको क्या कि सरकार ने बहुत काम किया है शिक्षा में मैं सुन रहा था मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ यहाँ पे कि हम लोगों को पिच करना होगा जहाँ जहाँ पर चर्चे होते हैं वहाँ पे आपको पिच करना होगा और हम पिच नहीं करेंगे ना तो फिर क्या होगा तो बोल के भाग जाएगा तो मैं सुनता रहा फिर उनको अच्छा क्या काम करना है नहीं बहुत काम हुआ है और हमारे गाँव में स्कूल में ऐसा हमने कर ठीक है करते करते फिर उनके यहाँ अच्छा ठीक है तो मुझे लगता है कि जो व्हाट्सएप मैसेज आते हैं या फेसबुक से आप बात करो हम लोग बात करते कि सरकार ने कितना प्रतिशत बजट बढ़ाया है जब कोई ऐसी बात मुझे पूछिए आप कि सरकार ने कितना प्रतिशत बजट बढ़ाया है जब आप ये पूछ रहे हैं तो ये आपको पता भी होना चाहिए है ना जब फिर आप पूछेंगे कि शिक्षा में और क्या काम है टीचर जो है आप देखेंगे ये शायद सबको मिल गया हुआ नहीं मिला इसमें देखिए हम लोग पिछले 5 साल के इसमें रिपोर्ट है तो जो भी हम लोग प्रॉमिस किया था हमारे प्रेजेंट सरकार ने उसका रिपोर्ट इसमें है पेंडिंग है हाँ तो ये शेयर हो जाएगा इसके अंदर तो आप ये बहुत बड़ा हथियार हमारे पास है आज जो भी हमने बात किया है करीब कुल 10-15 लोग थे उस सबको मैंने कहा कि देखो आप जो कह रहे हो इसमें तो कहीं है नहीं है ये पता नहीं किसका है मैंने क्या मैंने कहीं से लिया है उससे तो इसमें आप जो भी हो जो भी उन्होंने इसको जो सर्च किया गूगल पे
आप उन्होंने कहा कि हाँ जी सही बात है कि टीचर जो है आप देखिए 9 लाख टीचर्स की भर्ती नहीं हुई है। जिस देश में 9 लाख टीचर नहीं है तो वहाँ शिक्षा क्या होगा। तो जब हम लोग हर जहाँ पे हम बैठ के हैं चौराहे पे हैं गांव के आप साइट आपको मिल जाएगा ये इसका सॉफ्टवेयर मिल जाएगा इसे सारे मुद्दे दिए गए हैं कि कितना हम लोग आरटी एक्ट को के नाम को फॉलो कर रहे हैं और हम लोगों को हमेशा जो है फैक्ट के साथ बात करना होगा और फैक्ट जो है हमें याद होना चाहिए। इसी बात को के साथ मैं